नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज्ड हाईटेक डिजिटल क्लासेस। एमएस यूनिवर्सिटी में जो फरवरी 2021 में एग्जाम हुई थी, उसमें अकाउंट का पेपर बहुत ही डेंजर, मतलब कि फाड़ू पेपर था, जिसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे, टेंशन में आ गए थे कि सर अगर ऐसा ही पेपर अगली बार आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट का क्या होगा। तो यहां पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपके कॉन्सेप्ट का प्रबंध कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पूरे पेपर को मैं बहुत ही डिटेल में हर एक क्वेश्चन को और उसके साथ की सराउंडिंग इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो और आप अगली एग्जाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही अच्छे से दे सके। और ये जो पूरा पेपर है, उस पेपर की लिंक मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप चाहो तो वहां से पेपर को देख सकते हो। इस पेपर के आंसर्स वाला जो पैम्पलेट है वो, और इस पेपर के सॉल्यूशन की सारी डिटेल नोट, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूं, वो वाला पैम्पलेट, ये दोनों भी हमारी सहज स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है। तो अगर आपको वो पेपर भी अवेल करना है विथ सॉल्यूशन एंड विथ वर्किंग नोट, तो सहज स्मार्ट स्टडीज ऐप से आप उस पेपर को अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस पेपर का पूरा डिस्कशन। आप लोग बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझिए और उसके साथ साथ मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं उसको भी अपने दिमाग में डालने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं इतने सिंपल वेज पे सारे कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा, ताकि कोई चीज, आप कोई भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहला, अ जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, जर्नल मीन्स आमनोट, तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज, जर्नल मतलब जहां पे कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन, मतलब के व्यवहार कई बुक मान होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है जर्नल में, मीन्स आमनोट में, तो उसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। याद रखना, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसके दूसरे नाम भी मैं आपको यहां पे बता दूं, ताकि अगर कोई चेंज करके आपको ऑप्शन दे तो भी कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको प्राइमरी बुक भी कहा जाता है। प्राइमरी बुक मीन्स प्राथमिक चौपड़ो। और उसके साथ साथ याद रखना कि अगर लेजर की बात कही हो, मतलब के खतौनी, तो इट इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल इज अ प्राइमरी बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वेर इज लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल बुक मतलब प्रधान चौपड़ो। देखो, प्रथम चौपड़ो आमनोद और प्रधान अथवा मुख्य चौपड़ो मीन्स प्रिंसिपल बुक, वो लेजर है जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में आता था। देन नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन रिप्लेसिंग, मतलब अकाउंट से हम कौन सी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, उसका हम टेंशन छोड़ देंगे। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, सारे के सारे ट्रांजेक्शन जब भी होंगे तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर हम रिकॉर्ड कर देंगे मतलब लिख देंगे, तो हमको याद रखने का टेंशन ही नहीं रहेगा। ये सारी चीजें, ये पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप नोट कर रहे हो तो आपको यहां पे कोई टेंशन नहीं होगा, मतलब कि अकाउंटिंग से आपको याद रखने का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर देते हो। तो अकाउंटिंग किसको रिप्लेस करता है, मेमोरी को रिप्लेस करता है। मेमोरी मतलब याद रखना, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर दिया है तो याद रखने का टेंशन नहीं रहेगा। देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद करो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप के पर्सनल आते थे, एक नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब भाविन सर अकाउंट, अक्षय कुमार अकाउंट, नरेंद्र मोदी अकाउंट, शाहरुख खान अकाउंट वगैरह, जो कि रियल नेचुरल पर्सन हो। दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति, मतलब वहां पे होते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक साहस इंस्टीट्यूट, एमएस यूनिवर्सिटी, गुजरात गवर्नमेंट एटसेट्रा। एंड थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब कि जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो कैपिटल अकाउंट आता है, ड्रॉइंग अकाउंट आता है, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस, और प्रीपेड और प्री रिसीव्ड इनकम या एक्सपेंस आता है, मतलब वो इनकम या एक्सपेंस जिसके पहले कोई प्रीफिक्स या बाद में कोई सफिक्स लगा हुआ हो, उसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पे देखो क्या कहा है, महेश अकाउंट, ये कौन सा हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया। यहां पे हमें पूछा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन सा होगा, तो महेश ये नेचुरल पर्सन, बीएसएनएल ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्डिंग ये तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या आता है, माल अने मिलकत, तो बिल्डिंग ये मिलकत है,
तो वो आएगा रियल अकाउंट में, जबकि आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो सैलरी एक्सपेंस है, उसके पहले प्रीफिक्स आया आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कैलकुलेशन के बेस के ऊपर है, तो उसको बहुत ही ध्यान से समझना, आप अपना कैलकुलेटर भी साथ में रखिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग ईयर 2019-20 मतलब शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2019 से, खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। इट शोज द इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹6,000, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में ₹6,000 का इंश्योरेंस दिखा रहा है, विच इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ ₹3,600 फॉर अ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ये 6,000 के अंदर ही ₹3,600 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा है जो 30 सितंबर 2020 तक का है। देन व्हाट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर मतलब 2019-20 में। तो आपको पता है कि 2019-20 में उसी साल का जो इंश्योरेंस है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और कुछ भी प्रीपेड है तो उसको हम माइनस करते हैं, अगाव थी चुकवेल इंश्योरेंस माइनस था। अभी देखो यहां पे हमको ₹6,000 इंश्योरेंस में दिए हुए हैं, पर उसमें से ₹3,600 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा है जो 30 सितंबर तक का है, अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब 9 मंथ होता है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो यहां पे 31 मार्च 2020 से 30 सितंबर तक का ड्यूरेशन ये आगे हो गया, प्रीपेड हो गया। तो 31 मार्च से 30 सितंबर देखे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो 6 महीने हो गए। तो ये 6 महीने का क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है 3600 में से। तो यहां पे हमें स्टेप रखना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का होता है, तो महीने 12 है तो इंश्योरेंस की अमाउंट 3600 है, सिर्फ इस वाले का ही देखेंगे, बाकी जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है वो तो एज इट इज ही रखेंगे। जैसे कि कैलकुलेटर पे देख लो, 6000 में से ₹3,600 के इंश्योरेंस के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो बाकी के 2400 का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो तो हमें एज इट इज ही लिखने हैं। कैलकुलेशन ये 3600 में से ऐसा है कि 6 महीने आगे जा रहे हैं, तो 12 महीने के 3600, तो 6 महीने का जो प्रीपेड हो गया, ये प्रीपेड ड्यूरेशन, उसका कितना? तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 3600 × 6 / 12। कैलकुलेटर पे देख लो, 3600, आप अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, × 6 / 12 मतलब कितना हो गया? ₹1,800। ये क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसको कि माइनस किया जाएगा। तो यहां पे टोटल इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? तो टोटल इंश्योरेंस 6000 है, उसमें से ये ₹1,800 प्रीपेड है, तो उसको माइनस करेंगे तो बाकी की जो बैलेंस की अमाउंट मिली वो हमारा करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि P&L में लिखा जाता है। तो कैलकुलेटर पे देख लो, 3600 में से ये ₹1,800 जो कि प्रीपेड के मिले, उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4200। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 4200। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है, और मैंने कैलकुलेशन करके भी समझाया, तो आप भी वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें। एग्जाम में, MCQ एग्जाम में ऐसे कैलकुलेटिव एग्जाम्पल्स आते हैं, और February 2021 की एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और एक से बढ़कर एक, मतलब कॉम्प्लिकेशन का लेवल भी बढ़िया सा है। चलिए वीडियो को पॉज करके और इसको लिख दीजिए। और अगर दोस्तों मैं आपको ये जो पूरा पेपर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। आपके जो भी रिव्यूज है, आपके जो भी फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताएं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा, बुरा लग रहा है तो बुरा, जो कुछ भी आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स FY BCom में है, उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ में लिंक में इस पेपर का मैंने सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल की लिंक रख दी है, तो वो भी आप डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस है। आपको आंसर्स वाला चाहिए या पूरे के पूरे वर्किंग नोट वाला चाहिए, तो हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप पे है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। और लोवेस्ट फीस पे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री, ऐसी प्राइस पे आप लोगों को बढ़िया लेवल का FY BCom का हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसी तरह से हाईटेक एजुकेशन सारे सब्जेक्ट्स में लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट फीस पे अवेल करना चाहते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से समझ लो। जिसमें क्या कहा है,
वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 इज 35,000, पे कर दिए, ठीक है, 35,000 पे किए हैं. वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2019-20, मतलब करंट ईयर में ही अभी भी पे करने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, वैसे 7,000. अब आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब है इसी साल का, बट अभी पे करना बाकी. आउटस्टैंडिंग नो मतलब सो चुकवानी बाकी मजूरी, तो 6-8 वर्षनी मजूरी पण हजु चुकवानी बाकी छे. वेजेस प्रीपेड फॉर 2020-21 नेक्स्ट ईयर, आवता वर्षना अगाउ थी चुकवी दीधेला छे, अगाउ थी चुकवी दीधेला छे, प्रीपेड है तो ये आ वर्षनो खर्चो नथी, आवता वर्षनो छे, जे आ वर्षे चुकवी दीधो ते आ वर्षमां गणाय नहीं, एटले माइनस करवो पड़े. तो नेट वेजेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसकी अमाउंट क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल कि पहले एक्चुअली में पे कितने किए हैं, 35,000, उसमें से करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो प्लस किए जाते हैं, अभी भी चुकवानी बाकी मजूरी जो कि दिए है 7,000, तो उसको प्लस करेंगे. अने आवता वर्ष ना जो अगाउ थी चुकवी दीदा छे, मतलब के प्रीपेड है, वो तो अगले साल का है, इस साल का है ही नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ पे करंट ईयर में नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस प्रीपेड जो कि कितना है, 3,000, तो उसको हम यहां से माइनस करेंगे. तो कैलकुलेटर पे देख लो, यहां पे 35,000 प्लस 7,000 माइनस 3,000, तो 39,000 वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आने चाहिए. तो यहां पे हमारा ऑप्शन आएगा ए, 39,000. समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो है थियोरेटिकल बेस. अकाउंटिंग इज द ब्लैंक फेज, फेज एटले एक पासू अथवा एक लेवल of accounting system, while bookkeeping is the blank phase of accounting system. देखो bookkeeping नो मतलब था नामू, मतलब नोंधवानू, recording करवानू, अने accounting एने सु करे छे, summarizing करे, classifying करे, ये accounting नो काम छे. तो यहाँ पे पहले पूछा है accounting और उसके बाद है bookkeeping. bookkeeping मतलब record करना, and accounting का मतलब होता है जो record किया है उसको अलग अलग हम लोग format में लिखेंगे, मतलब summarize करना. हम लोग जो trading account बनाते हैं, P&L account बनाते हैं, ये सब accounting है. और हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन लिखते हैं, सब्सिडियरी बुक एटले के पेटा नोंध में व्यवहार नोंधीए छे, कैश बुक, रोकड़ मेड में, खाता वही में खतौनी यानी कि लेजर पोस्टिंग करते हैं, ये सब बुक कीपिंग का पार्ट है. देखो आप 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 जो पूरा पढ़े थे ना, वो बुक कीपिंग था, मतलब नामाना मूल तत्व याद करो, चैप्टर हमारा सब्जेक्ट नो टाइटल, तो वो रिकॉर्डिंग करता है. जबकि पार्ट 2 में आप लोग जो बनाते थे फाइनल अकाउंट, वो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी उसको सिर्फ एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट पे, दूसरे एक पेज पे P&L में, और तीसरे एक पेज पे बैलेंस शीट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कवर कर लेता है, मतलब समराइज्ड कर देता है. तो अकाउंटिंग समराइज करता है, जो बुक कीपिंग है वो रिकॉर्डिंग करता है. तो यहां पे देखो अकाउंटिंग पहले तो वो समराइजिंग, एंड बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग. तो यहां पे हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी. समझ में आया लॉजिकली? एंड देन ड्रॉइंग अकाउंट इज ब्लैंक टाइप ऑफ अकाउंट. ये आगे भी हमने डिस्कस किया था कि ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गया, उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट है जिसके आगे कोई प्रीफिक्स या कोई सफिक्स लगा है. प्रीफिक्स यानी कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या अक्रूड, या सफिक्स मतलब सैलरी येट टू बी पेड, ऐसा कोई, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाते हैं. तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट. और अगर स्पेसिफिकली पूछा होता कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, तो ड्राइंग अकाउंट आता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. क्लियर? देखो ये पूछा नहीं है, बट अगर इस तरह से भी पूछते हैं तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, या ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके कहां ले जाता है. तो एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग अकाउंट मतलब उपाड़ खातो ए बंद करीने मूड़ी खाता मतलब के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है. तो अगर ऐसा पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू ब्लैंक अकाउंट, तो वो कैपिटल अकाउंट है. और अगर उसकी जर्नल एंट्री पूछी है कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग ऑफ ड्राइंग अकाउंट, तो वो होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट. तो ये चीज भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के टाइम पे आप याद रखना, ताकि अगर ऐसा भी कुछ आ जाए तो आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो. दोस्तों अब आप लोग अपना पूरा पूरा ध्यान यहां पे रखना, क्योंकि ये सबका बाप एमसीक्यू है, मतलब पूरा इसकी वजह से तो
फट जाएगी, ऐसा एक क्वेश्चन है मेजोरिटी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था। इनफैक्ट मेरे ध्यान में तो ऐसे कुछ टीचर्स भी आए जिनको भी ये कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब सच में कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर आप कोई भी टीचर को भी आराम से सिखा पाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, आउट ऑफ द टोटल क्लोजिंग स्टॉक, जितना आपका पूरा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 10% ऑफ द गुड्स इट्स मार्केट वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 15%। देखो 10% जो गुड्स है उसकी वैल्यू 15% डिक्रीज हुई है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन मिली। 35% ऑफ द गुड्स इट्स मार्केट वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब टोटल जो गुड्स होगा उसके 35% स्टॉक में से उसकी वैल्यू 10% इंक्रीज हो गई, पर आपको ये पता है कि इंक्रीज को तो कंसिडर किया नहीं जाता है। एंड 25% ऑफ द गुड्स इट्स मार्केट वैल्यू इज 1200। देखो मार्केट वैल्यू दे दी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आई, यहां से एग्जांपल के लिए आपका कैलकुलेशन शुरू हो सकता है। 25% की मार्केट वैल्यू 1200 रुपए है, और इसके बारे में भी क्या कहा है, विच इज 20% लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ये 1200 रुपए जो है ना वो उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% भैया कम है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक टू बी सोन इन द बैलेंस शीट। अब देखो पहले तो 10% हो गया, 35% हो गया, 25% हो गया, अभी भी 100% नहीं हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचा पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो 100 में से जितना साइड पे 100% में से ये 10% की इंफॉर्मेशन मिल गई, 35% की इंफॉर्मेशन मिल गई, 25% की इंफॉर्मेशन मिल गई, अभी भी 30% की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो एज इट इज ही वैल्यू रहेगी, उसके अंदर ना कोई इंक्रीज हुआ होगा ना कोई डिक्रीज, ये चीज आप पहले माइंड में फिट कर दो। अब हम कैलकुलेशन कहां से शुरू कर सकते हैं, तो यहां से देखो 25% जो स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू 1200 रुपए है, और ये मार्केट वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्राइस से 20% कम है, तो यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस एज्यूम करनी पड़ेगी। कि सपोज पहला स्टेप हमारा ये आएगा, सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100 और कॉस्ट प्राइस से मार्केट वैल्यू कितनी कम है बोल दिया है, देखो 20% लेस, तो यहां पे 20% माइनस करोगे 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस, माइनस 20%, 100 के 20% 20 होंगे, तो 80 रुपीज जो आए वो क्या हो गई, मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास कंपैरिजन के लिए अमाउंट मिल गई कि देखो भैया अगर मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है जो कि हमने यहां पे ढूंढी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100, तो यहां पे एग्जांपल में हमको ये मार्केट वैल्यू दी है 1200 रुपए, तो ये 1200 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, स्टेप रखा कि यहां पे पहले एजम्पशन किया और उसके बेस के ऊपर मार्केट वैल्यू ढूंढी 20% कॉस्ट में से माइनस करके, तो 80 रुपीज मार्केट वैल्यू, उसकी कॉस्ट प्राइस 100, तो 1200 रुपए की मार्केट वैल्यू हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, मतलब कि कैलकुलेटर पे देख लो 1200 डिवाइडेड बाय 80, तो कॉस्ट प्राइस कितनी मिली 1500 रुपए, ये हमको क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गई। ये 25% जो थे वो कितने हैं 1500, 25% 1500 है, 25% 1500 है, तो उसके बेस के ऊपर 35% कितने ढूंढ सकते हैं, 10% कितने ढूंढ सकते हैं, 30% कितने ढूंढ सकते हैं, आराम से ढूंढ सकते हैं, तो चलिए ढूंढ लेते हैं, ये 1500 का काम मिल गया, ठीक है। अभी दूसरा बाकी का देखते हैं, मतलब पहले जो 25% हमारे पास हो गया ये, उसके बाद अब बाकी के 10% के लिए हम वर्किंग करेंगे। देखो ये हम 1500 ढूंढ लिए, तो उसके बेस के ऊपर टोटल चाहे तो टोटल भी ढूंढ सकते हैं, अलग अलग भी ढूंढ सकते हैं, यहां पे मैंने पहले टोटल का करके दिखा दिया है, कैसे कि भाई देखो ये 25% का वैल्यू होता है 1200, तो टोटल स्टॉक 100% उसका कितना, तो भी हम कर सकते हैं कि देखो 25% के 1500 रुपए, तो 100% के कितने, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 × 1500 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी क्लोजिंग स्टॉक की, तो 1500 × 100 डिवाइडेड बाय 25, तो 6000 रुपीज ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछी होती तो, पर हमको तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस ये कंसीडर करना होता है, क्योंकि पूछा क्या है कि भाई बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा, तो पाका सर्वे में तुमने खबर छे चौपड़े कीमत के बाजार कीमत जे ओछी होय ते रिकॉर्ड थाय, तो आपणे अहीं बधानु कंपेरिजन करी अने ओछी वैल्यू जोवी पड़शे। तो अहीं जो हवे पहला 10% वाळानुं जोईए, तो 6000 टोटल छे टोटल स्टॉक, एना 10% केटला,
तो 6000 इंटू 10% मतलब कितना थी जाए 600, जो कैलकुलेटर पर यहां बताओ 6000 टोटल स्टॉक, पहला 10 स्टॉक की वैल्यू बात करी 10 टका की, तो 10 टका थे 600, एनी वैल्यू कितनी डिक्रीज थी 15%, यानी डिक्रीज थी हो तो कंसीडर करवाना, तो माइनस 15%, तो वैल्यू क्या हो गई 510 रुपए। तो यहां पे मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं ये 510 रुपए, ठीक है 10% वाले की। उसके बाद 35% सेकंड देखो, ये 35% का क्या होगा, तो पहले हम 35% क्या होगा ये देख लेते हैं। तो 6000 टोटल है, उसके 35% तो कैलकुलेटर पे देखो 6000 इंटू 35%, पर उसकी वैल्यू तो 15% इंक्रीज हुई है, देखो इंक्रीज, ये कहा 10% इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज को तो कंसिडर किया नहीं जाता, तो फिर हम लोग यहां पे ये 2100 रुपए है वही कंसीडर करेंगे, मतलब यहां पे ये 35% के लिए 2100 रुपए ही रखने पड़ेंगे, और ये जो 25% है उसका तो हमने ढूंढ लिया 1200 रुपए दिए हुए ही है, तो वो तो फिक्स है वही कंसीडर करना है, ये जो दे दिए है वो, और जो रिमेनिंग है रिमेनिंग वाला पार्ट मतलब के ये 30% उसकी वैल्यू क्या, तो 6000 के 30% देख लो, जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो एज इट इज रखना पड़ेगा, मतलब 1800 रुपए, तो यहां पे ये 1800 रुपए देख लो। तो अब हम क्या करेंगे, सभी का टोटल करेंगे, एक एक करके देख लो हम कौन कौन सी चीजों का टोटल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 1200 रुपए मार्केट वैल्यू दे दी है 25% स्टॉक की, ये कंसीडर करेंगे, फिर पहले 10% वाले में से 510 कम है तो वो लेने पड़ेंगे, दूसरा जो 35% था उसकी कॉस्ट प्राइस 2100, मार्केट वैल्यू 10% इंक्रीज है, इंक्रीज कंसीडर ही नहीं किया जाता है, तो 2100 ये लेना पड़ेगा, और बाकी के रिमेनिंग गुड्स की वैल्यू है 1800 रुपए, तो ये सारी की सारी अमाउंट का टोटल ये हमारा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो देखो 1800 प्लस 2100 प्लस 510 प्लस 1200 प्लस 1200, तो वैल्यू कितनी हो गई 5610, जो कि हमारा आंसर होगा, और वो है ऑप्शन नंबर ए 5610। समझ में आया है ना, बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो ऑनलाइन एमसीक्यू वाली एग्जाम थी जिसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, और इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला सम पूछा था। हमें हमारे माइंड को शार्प करना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके समझ के वर्किंग नोट अपनी नोटबुक में लिखो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखो ताकि ये चीज आपके माइंड में क्लियर हो सके। और अगर आपको इस पेपर का पूरा ये सारी की सारी वर्किंग नोट वाला पैम्पलेट चाहिए तो वो सार स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है, सारी चीजें हम स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे वे पे प्रेजेंट करके देते हैं ताकि बच्चे स्मार्ट प्रिपरेशन करके अपना रिजल्ट ला सके। तो अभी भी अगर आप सार स्मार्ट स्टडीज से नहीं जुड़े हुए हो तो आज ही जुड़िए, और अपने सारे दोस्तों को भी रेकमेंड करें जिससे कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 9th नंबर का, वैसे बहुत छोटा है दोस्तों पर इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वैसा है सस्पेंस अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ब्लैंक। अब सस्पेंस अकाउंट नो मतलब सो उपलक खातू, उपलक खातू क्या होतो तो उपलक खातू जारे तमे वार्षिक हिसाबो तैयार करो छो का तो काचू सर्वे, पण काचू सर्वे बन्या पछी आपणे पहोंचवानुं छे फाइनल अकाउंट्स पर ज, मतलब वार्षिक हिसाबो पर ज, तो वार्षिक हिसाबो मां जारे पाकू सर्वयो यानी के बैलेंस शीट आपकी टैली ना हो तो जो साइड पे डिफरेंस आता है वहां पे हम एक टेम्पररी अकाउंट लिख के बैलेंस शीट को टैली कर देते हैं, और उसी टेम्पररी अकाउंट को कहा जाता है सस्पेंस अकाउंट। क्या कहा कि जब आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो रही हो, सारी चीजें आपने सही रिकॉर्ड की हो तो भी फिर भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो चाहे वो असेट साइड पे डिफरेंस हो या लायबिलिटी साइड पे, मतलब मिलकतों बाजू तफावत आयो कि जवाबदारी बाजू, जहां तफावत आवशे त्यां तमे तफावतनी रकम ने एक खातानु नाम आपीने लखी देशो, ने खातू ज कहेवाय उपलक खातू। अभी क्वेश्चन यहां पे ये है कि सस्पेंस अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या कुछ कह नहीं सकते, तो यहां पे पर्सनल अकाउंट है। अब सर पर्सनल अकाउंट कैसे, तो उसके फीचर समझो, फंडामेंटल समझो दोस्तों, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपके 3 अकाउंट है, देखो यहां पे पहला दिया है रियल अकाउंट, मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट मतलब माल मिलकत नु खातू, मतलब उसके अंदर गुड्स और असेट्स आती है, ठीक है ये हमको पता है। अब गुड्स कहां पे रिकॉर्ड होते हैं, तो गुड्स आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में,
अगर परचेज है तो डेबिट साइड पे, सेल्स है तो क्रेडिट साइड पे, आपको पता है। और सारी की सारी असेट्स कहां पे आती है? बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो ये सस्पेंस अकाउंट रियल अकाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे मेन चीज मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, उस चीज को याद रखना कि रियल अकाउंट कहां पे हो सकता, सॉरी सस्पेंस अकाउंट कहां पे हो सकता है। तो सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड पर भी आ सकता है, या तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी आ सकता है, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है। अब रियल अकाउंट की खास बात क्या है कि या तो वो असेट साइड आएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कहीं पे भी लायबिलिटी तो आई ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो सस्पेंस अकाउंट है वो रियल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो लायबिलिटी साइड पे भी हो सकता है और रियल अकाउंट सिर्फ असेट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, लायबिलिटी साइड पे नहीं आता है। तो बात खत्म कि रियल अकाउंट नहीं हो सकता। सेकंड पॉसिबिलिटी है यहां पे नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जिसके अंदर क्या चीजें आती है? सारे के सारे एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन। तो जो एक्सपेंस है ये ट्रेडिंग या तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं और इनकम पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है, जबकि सस्पेंस अकाउंट तो पी एंड एल अकाउंट में आता ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट या तो बैलेंस शीट असेट या तो बैलेंस शीट लायबिलिटी, और नॉमिनल अकाउंट तो पी एंड एल में आता है, मतलब इन दोनों के बीच में तो कुछ कनेक्शन हो ही नहीं रहा है, एक इंडिया है दूसरा पाकिस्तान है, कोई लिंक नहीं, तो नॉमिनल अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? पर्सनल। बट फिर भी पर्सनल में देख लेते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती है? तो नेचुरल, आर्टिफिशियल वगैरह पर्सन। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, डेटर्स पर्सन ही होता है कोई ना कोई, या तो कोई ना कोई फर्म होगी, या मतलब हमारे डेटर्स और क्रेडिटर या तो कोई नेचुरल पर्सन होंगे या तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन होंगे। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स, अब डेटर्स है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे आते हैं, क्रेडिटर्स है तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी आते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट ऐसे है जो बैलेंस शीट में असेट साइड पर भी हो सकते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर भी हो सकते हैं, और सस्पेंस अकाउंट ही ऐसा है जो कि बैलेंस शीट की असेट या लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होता है। मतलब यहां पे सीधा कनेक्शन जुड़ गया कि सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ? ये सारी की सारी नोट्स मैंने यहां पे आपको लिख के दी हुई है, रिफर कर लीजिए इसको। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू है दोस्तों, ये भी कैलकुलेटिव है। इन अ पार्टनरशिप फर्म राम विड्रॉस 400 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ व्हाइल रोहन विड्रॉस 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 15% पर अनम। तो उसके लिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि अगर पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में ड्रॉइंग करता है, बिगिनिंग में मतलब दर एक महीना की शुरुआत में, तो 78/12 मतलब 78/12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर हर महीने के एंड पे वो ड्रॉइंग करता है तो 66/12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और अगर हर महीने की मिडल में यानी कि 15th डेट ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग करता है तो 72/12 मंथ का यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब यहां पे जो राम है वो हर महीने की मिडल में विड्रॉल करता है, तो 400 इंटू 15% इंटू 72/12 मंथ, क्योंकि मिडल है इसलिए 72/12, तो कैलकुलेटर पे देख लो, 400 इंटू 15% इंटू 72/12 तो कितना हो रहा है? 360। ये किसका हुआ? राम का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ। और उसके साथ साथ रोहन की क्या सिचुएशन है? तो रोहन हर महीने के एंड पे 300 रुपए का ड्रॉइंग कर रहा है, तो 300 इंटू 15% इंटू एंड है तो 66/12 मंथ, तो कैलकुलेटर पे देख लो, यहां पे 300 इंटू 15% इंटू 66/12 तो कितना हो गया? 247.5। ये हो गया रोहन का। तो ऑप्शन देखो, 360 और 247.50 कौन सा है? ऑप्शन ए। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। शायद आपको ये भी पूछे कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन राम एंड रोहन, तो 360 माइनस 247.5 करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो चलो इसको भी नोटबुक में कैलकुलेट करें। यहां पे दोस्तों हमारे 10 एमसीक्यू, पेपर में आपको टोटल 30 एमसीक्यू थे जिसमें से आपको कोई भी 15 आते थे, बट एग्जाम के अंदर 30 एमसीक्यू सेट होते हैं जिसमें से आपको कोई भी रोटेट होके 15 आते हैं, उसमें से यहां पे हमने 10 कंप्लीट किए। अभी भी बाकी आगे तकरीबन 20 एमसीक्यू का डिस्कशन बाकी है जो कि
हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे जो कि ऐप पे चलेगा। ये सेशन जो यूट्यूब पे है वो सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर आपको ये पूरा सेशन इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली सीखना है तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे गूगल प्ले स्टोर से और ये पूरे के पूरे सेशन को अवेल कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आप एक्सलेंट एजुकेशन साहस इंस्टीट्यूट के साथ लेना चाहते हैं तो हम लोग आपको अलग अलग स्टडी ऑप्शंस देते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, जिसमें कि आप ट्रेडिशनल मेथड की तरह क्लासरूम में आवीन हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज से एनी साथे एजुकेशन ले सको छो। जे अनी माटे हमारा क्लासेस वागोड़िया रोड पर अने संगम क्रॉस रोड कारेलीबाग बे ब्रांच छे, तो त्यां तमे आवी अने भणी सको छो। उसके अलावा सेकंड है साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस है, जिसमें कि आप कहीं से भी, मतलब आपका घर दूर है या आप कोई और सिटी में रहते हो और आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर से काफी अलग है, तो इसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। और तीसरा साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, द बेस्ट एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, वो आप लोगों के साथ है ही। अगर ये पहले या दूसरे ऑप्शन में कोई जुड़ता है तो उसको साहस स्मार्ट स्टडीज का एक्सेस यूज कंप्लीटली फ्री मिलता है, या अगर आपको सिर्फ एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं एट द लोवेस्ट फीस, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री, मतलब फ्री में ही आपको मिल रहा है, ऐसी प्राइस के ऊपर बेस्ट क्वालिटी का हाईटेक एजुकेशन आपको मिल रहा है। सो इसका आप एडवांटेज जरूर लीजिए एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हम सबको, हमारी पूरी टीम को भरोसा है कि आप बहुत बढ़िया से एक्सलेंट लेवल पे एग्जाम निकालेंगे। और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स है उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना और उनके रेकमेंड करना कि वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन, जो कि है हमारा 11th नंबर का एमसीक्यू, जिसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग, खोटो ऑप्शन के खोटू स्टेटमेंट सूचियामांथी,